हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो धतूरे का फल काफ़ी जहरीला माना जाता है, इसका सेवन आपके लिए काफ़ी घातक भी हो सकता है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि धतूरे का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। आयुर्वेद के अनुसार धतूरे में मौजूद औषधि गुण घाव में बचाने और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको धतूरों के औषधि गुणों के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही ये किस किस बीमारियों में उपयोग होता है और इसके सेवन करने की विधि क्या होनी चाहिए, ये सब बताने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुरुषों के लिए धतूरे का सेवन करना किसी वरदान से कम नहीं है, इससे उनकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसके सेवन के लिए लौंग और धतूरे के बीज को बराबर मात्रा में पीस लें, फिर इसके बाद उसमें शहद मिलाकर छोटी गोलियां बना लें। अब रोजाना सुबह इसकी एक गोली खाएं, बदलाव आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपके शरीर पर कोई गहरा जख्म या घाव लग गया है तो आप धतूरे की मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। इसे हम एंटीसेप्टिक दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कोई भी घाव जल्दी भर जाता है। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा गहरे जख्मों पर ना किया जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमारी त्वचा की ऊपरी स्किन पर ही किया जा सकता है। गंजेपन से परेशान लोग इसके रस को प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं। इसके रस में ऐसे विशेष गुण होते हैं जो सीबम को स्वस्थ करते हैं और गंजेपन की समस्या को रोक देते हैं। धतूरे के रस को तिल के तेल के साथ मिलाकर लगाने से भी गंजेपन में बहुत फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं अगले उपाय की, तो अगले उपाय में हम इसका यूज़ दमे के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों को दमा की शिकायत है उनके लिए धतूरा फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल करने के लिए धतूरा को अपामार्ग और जवाशा नामक जड़ी बूटी के साथ मिलाकर चूर्ण बना लें। अब रोजाना इसकी महक सूखने से दमा की समस्या दूर हो जाएगी। बात करते हैं अगले उपाय की, तो अगले उपाय में हम इसका यूज दर्द और सूजन में भी कर सकते हैं। धतूरे का प्रयोग जोड़ों के दर्द में किया जा सकता है, साथ ही पैरों में सूजन या भारीपन के लिए भी धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए धतूरे की पत्तियों को पीस कर लेप करना चाहिए, इससे आपको तत्काल आराम मिलेगा, क्योंकि गर्म तासीर का होने के कारण मांसपेशियों की प्राकृतिक सिकाई होती है और मांसपेशियाँ नरम पड़ जाती हैं, जिससे मरीज को तत्काल आराम मिलता है। बात करते हैं अगले यूज़ की, तो अगले यूज़ में आप इसको कान के दर्द के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कान में दर्द और सूजन की स्थिति में आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। धतूरे में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, इस कारण से यह कान के दर्द की समस्या को ठीक कर देता है। धतूरे की तासीर काफ़ी गर्म होती है, अगर हम धतूरे का सेवन सीमित मात्रा में करें तो यह एक प्रकार की औषधि का काम करती है, लेकिन गलती से भी इसका अधिक सेवन कर लिया जाए तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको बता दें कि धतूरे में कुछ ऐसे जहरीले तत्व पाए जाते हैं जो इंसान के शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धतूरे को खाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह जानलेवा भी हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको धतूरे से होने वाले 6 फायदों के बारे में बताए हैं, जिनका यूज करके आप अपनी इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच पाए। तो मिलते हैं ऐसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।